दुर्ग निगम अधिकारी व कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 5 दिवसीय आंदोलन को समर्थन देने कलम बंद कर नारेबाजी करते हुए निगम परिसर में रैली की शक्ल में धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को दुर्ग नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 25 से 29 जुलाई तक प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद काम बंद कर दुर्ग निगम परिसर में जमकर नारेबाजी की, साथ ही रैली की शक्ल में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदर्शन स्थल में शामिल हुए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतन मान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर तृतीय चरण कलमबंद कामबंद आंदोलन में स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक रूप से निकाय के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों ने आवश्यक सेवा को छोड़ बाकी सभी हड़ताल पर रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको विदित होगा कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा प्रथम चरण में एक दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन हड़ताल की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ, दुर्ग नगर निगम और पूरा छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी पूरा प्रदेश उसमें शामिल हुआ था, उनको समर्थन दिया था। उसके पश्चात आज द्वितीय चरण में कलमबंद हड़ताल का आयोजन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है, जिसमें नगर पालिक निगम दुर्ग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के जितने स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के जहाँ जहाँ पदाधिकारी हैं, जितने भी 160 नगरीय निकाय हैं, वहाँ पर आज 25 से 29 तक कर्मचारियों ने अब छुट्टी का आवेदन दे दिया है और छुट्टी का आवेदन देकर कलमबंद हड़ताल की है। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार 34% डीए का भुगतान अपने कर्मचारियों को पिछले एक साल से कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने मात्र 5% डीए, जो कि पहले हमें 17% मिलता था, उसको 22% किया गया और झुंझुना पकड़ा दिया गया। और उसके पश्चात भी हमारे पिछले आंदोलन में भी उनको छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को और छत्तीसगढ़ सरकार को अमल नहीं किया गया कि हमने इतना बड़ा आंदोलन किया और उसके पश्चात भी आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए द्वितीय चरण में आज से हम सब 25 से 29 तक सामूहिक अवकाश लेकर कलमबंद हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं, उसमें नैतिक समर्थन दे रहे हैं। आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो अगस्त माह में आपका आवश्यक अति आवश्यक सेवा बंद करने का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो हम छोटे कर्मचारियों का मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हमें अति आवश्यक सेवा डप करने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं तो अगर कहीं किसी प्रकार से अगर उनके द्वारा हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अगले चरण के आंदोलन में भी हम सब शामिल होंगे और किसी भी प्रकार का आंदोलन जो है वो करने के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ स्वायत्त कर्मचारी संघ के द्वारा इनके हर आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। आज जो भी कर्मचारी अवकाश लेकर हमारा समर्थन कर रहे हैं वो बहुत ही जायज है और सही मांग का समर्थन कर रहे हैं। तो प्रायः निगम का जो भी ऑफिस कार्यालय पूरी तरह से बंद है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और अवकाश, रही बात अवकाश की, उनका CL बचा उनको CL दिया जाएगा, नहीं तो जब भी समझौता होगी उसमें अवकाश अवधि को वेतन अवधि में जोड़ा जाएगा। तो आप लोग आज सिर्फ सूचना देकर अवकाश लिए हैं कि अवकाश मिला है? अवकाश लिए हैं, हमारा 5 दिन का वेतन भी कटेगा तो हमको मंजूर है। फेडरेशन के समर्थन में जो हमारे नगरीय निकाय दुर्ग नगर पालिका निगम के कर्मचारी और अधिकारी जो आज समर्थन में आंदोलन में हैं, ये लगभग 450 कर्मचारी और अधिकारी मिला के दोनों के आसपास हैं। तो किस तरह का और इससे काम तो निश्चित रूप से प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने इनको अलग किया हुआ है, जैसे जल का और स्वास्थ्य और विद्युत कर्मशाला इनको तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 29 के बाद इनका भी समर्थन लेकर पूरे आवश्यक कार्य को ठप किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।